कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मलेशिया में किए गए लॉकडाउन में मशरूत नरमी का आज चौथा रोज है। हुकूमत के आसान इकदामात और आवाम के जिम्मेदाराना रद्देअमल के नतीजे में मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव में खातिरख्वाह कमी हुई है। 47 रोजा लॉकडाउन में मुल्की मौशत को तकरीबन 100 अरब रिंगिट का भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशिया में लॉकडाउन में मशरूत नरमी का चौथा रोज जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म तानसरीन मुहियुद्दीन यासीन ने रेडियो और टेलीविजन पर कौम में अपने खिताब करते हुए बतदरीज और मशरूत लॉकडाउन खोलने की खुशखबरी सुनाई थी। उनका कहना था कि 47 रोजा लॉकडाउन में मुल्की मईशत को तकरीबन 100 अरब रिंगिट का भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और वजारत सेहत से मुशावरत के बाद हुकूमत मलेशिया ने पैदावारी सनत, शोबा ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट समेत टेक्सटाइल, फैशन, लॉन्ड्री, फर्नीचर, बॉक्स, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक शॉप्स को मशरूत खोलने की इजाज़त दी है। तालीमी इदारे, मसाजिद और दीगर मजाहिब की इबादतगाहें, सिनेमा घर और नाइट क्लब्स फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा हर किस्म की समाजी और मजहबी तकरीबात पर भी ताहुक्म सानी पाबंदी आयद रहेगी। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद कुआलालमपुर की सड़कों पर ट्रैफिक की तादाद मामूल के मुताबिक बहुत कम नजर आ रही है। शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में दुकानें तो खुल गई हैं, मगर ग्राहक बिल्कुल न होने के बराबर है। गुज़िश्ता सालों में माह रमजान के इन दिनों में मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स ईद की खरीदारी करने वाले ग्राहकों से खचाखच भरे हुए नजर आते थे, मगर इस साल लोगों की कुव्वत खरीद में कमी और कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर के खदशा और खौफ की वजह से कुव्वत खरीद रखने वाला शहरी भी एहतियात से काम ले रहा है। ये जो रवा हफ्ते में मलेशिया में जो नरमी आ गई एमसीओ में, इससे बेपनाह इत्मीनान पाया जाता है, अवाम में बेचैनी बहुत कम हो गई है और ये यकीनी तौर पर मलेशियन हायर अथॉरिटीज की अंथक मेहनत और फ्रंटलाइनर्स की एफर्ट्स की वजह से ही मुमकिन हुआ है। नथिंग अदर देन दैट, और यकीनी तौर पर अवाम का तावन इसमें शामिल था। मलेशिया गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, और यही वजह है कि इतने अरसे में सिर्फ यहाँ पर जो अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से वो 105 या 6 हैं, और जो इफेक्टिव हुए हैं वो भी इनकी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, और ये अब लॉकडाउन जो है वो खोलने जा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए और खासकर मलेशिया के लिए बड़ी खुशाइंदा बात है। दोनों सूरतों में कोरोना वायरस के भयानक वार ने सरकारी और निजी मईशत को हिला कर रख दिया। रमजानुल मुबारक में ईद उल फितर के सीजन का साल भर इंतजार करने वाले कारोबारी हलके इस साल जहां परेशान नजर आते हैं, वहीं कारोबार में बेहतरी लाने के लिए ऑनलाइन बिजनेस समेत दीगर मुतबादल ज़राए पर अमल पैरा होने की मनसूबा साजी भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तानसेरी मुहियुद्दीन यासीन के एहसन इकदामात और आवाम के मस्बत जिम्मेदारान रवैया की बदौलत आज मलेशिया ने यह दिन देखा कि कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने वाला लॉकडाउन नरम किया जा चुका है। लोगों ने आज़ादी और सुख का सांस लिया है। उम्मीद की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया को निजात देगा। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालमपुर, मलेशिया।